गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे सब्जेक्ट इज़ जीके, लेसन नंबर 4, द सीज़न। ओके, टुडे वी विल टॉक अबाउट सीज़न। राइट द नेम ऑफ द करेक्ट सीज़न अंडर ईच पिक्चर। लुक एट हियर, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। इन सारे पिक्चर्स को देखकर उनके नीचे इन पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको सीजन्स के नेम लिखने हैं। जैसे कि एक बच्चे की बुक है मेरे पास, आप देखिए उसने इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ नीचे आपको वो हेल्प बॉक्स भी दिया गया है, इसमें सारे सीजन्स के नेम लिखे हुए हैं। सिर्फ आपको इन पिक्चर्स को देख करके सही जगह पे सही सीजन्स को फिल करना है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बच्चे कुल्फ़ी खा रहा है, ये आइसक्रीम खा रही है, तो हम कौन से मौसम में आइसक्रीम खाते हैं, कौन से सीज़न में? तो समर सीज़न में। सो हियर वी विल राइट समर। ओके, अब यहाँ देखिए एक गर्ल और एक बॉय है, वो कहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने रेनकोट पहन रखी है और ऊपर से बारिश भी हो रही है ना। तो हम बारिश के मौसम को क्या बोलते हैं? रेनी सीज़न। तो यहाँ पे हम रेनी सीज़न लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आग जल रही है, बच्चों ने कैप लगाए हैं, स्वेटर पहने हैं, मफलर लिए हुए हैं। तो ये हम स्वेटर कब कौन से सीज़न में पहनते हैं? विंटर सीज़न में, यानी ठंडी के मौसम में। तो यहाँ पे हम विंटर लिखेंगे। ओके, फिर देखिए ये स्प्रिंग सीज़न यानी वसंत ऋतु, जब पतझड़ आता है, जब पुराने पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं और नए नए पत्ते पेड़ों में निकल आते हैं और चारों तरफ हरियाली ही होती है। ओके, आपने देखा है ना, उसे हम वसंत ऋतु बोलते हैं, जब ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना तो ज़्यादा ठंडी होती है, एक जैसा मौसम होता है। फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट में आप देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा मौसम होता है, तब होता है स्प्रिंग सीज़न। ओके, नेक्स्ट लेसन नंबर 5, इंडियंस ऑफ टुडे। ओके, डू यू नो हु दीज फेमस पीपल आर? विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिव इन द बॉक्स राइट देयर नेम इन द ब्लैंक्स गिवन। आप यहाँ पे सारे लोगों को देख रहे हैं, ये कितने सारे लोगों के यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई है, इनके नीचे ये ब्लैंक स्पेस आपकी बुक में दिया होगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी जिसकी ये बुक है उस बच्चे ने इसमें फिल करके रखा हुआ है, लेकिन आपकी बुक्स में अगर आपके पास न्यू बुक होगी तो उसमें ये ब्लैंक स्पेस दिया होगा। अब ये कौन है? यहाँ पे एक हिंट्स बॉक्स दिया गया है जिसमें वो सबके नाम लिखे हुए हैं, आपको इन्हें पहचानना है और उनके नाम को नीचे लिखना है। तो लुक एट हियर, डू यू नो हु इज़ ही? ये हैं सचिन तेंदुलकर, इज़ अ क्रिकेट प्लेयर, इज़ अ क्रिकेटर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सचिन तेंदुलकर। और ये कौन है? ये हैं बाईचुंग भूटिया, ये फुटबॉल प्लेयर हैं, ये फुटबॉल खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट ये कौन है? ये हैं रणबीर कपूर। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है रणबीर कपूर। ओके, ये हैं बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर। नेक्स्ट हु इज़ ही? ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब ये देखिए ये कौन है, पहचान रहे हैं आप इन्हें? तो ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। ओके, ये 2002 से लेकर 2007 तक हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे। ओके, और ये साइंटिस्ट भी थे। हु इज़ ही? Have you any idea? He is a Vishwanathan Anand. He is a chess player. ये चेस खेलते हैं।
नेक्स्ट ये हैं रश्किन बॉन्ड, ये ऑथर हैं यानी लेखक, ये कहानियाँ लिखते हैं। ये हैं साइना नेहवाल और ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। ओके नेक्स्ट ये हैं एआर रहमान और ये कौन हैं, कंपोज़र सिंगर एंड म्यूज़िक प्रोड्यूसर, और ये तमिल तेलुगु और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने में काम करते हैं। ओके और यहाँ पे इन सब लोगों के नाम दिए गए हैं, आप इनमें से देखकर जैसा मैंने आपको बताया सबके नीचे आपको उनके नेम लिखने हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।